हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन क्लास 12th केमिस्ट्री इन सरफेस केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, जिसमें दो क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसमें फर्स्ट था विच इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट या स्टेट ऑफ द डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। सेकेंड क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था विच इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, कि फॉर्मेशन के आधार पर हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन, जो कि लायोफोबिक एंड लायोफिलिक था। थर्ड क्लासिफिकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे विच इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स फेज, इसके आधार पर जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मैक्रोमालिक्यूलर कोलाइड्स, सेकेंड वन इज मल्टीमालिक्यूलर कोलाइड्स और माइक्रोमालिक्यूलर कोलाइड्स, एंड थर्ड इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द मैक्रो मालिक्यूलर कोलाइड्स। जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, मैक्रो मीन्स बिग या बड़ा, तो कोलाइडल सोल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज लाई विद इन द कोलाइडल रेंज आर कॉल्ड मैक्रो मालिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, ये क्या है? ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल की जो साइज है वो कोलाइडल रेंज के बीच की होती है। कोलाइडल रेंज की साइज आपको पता है, इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, तो इनके बीच का अगर पार्टिकल का साइज है, डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल है अगर 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच से बिलोंग करता है या इसी के बीच बिलोंग करेगा, तो वो क्या होगा? आपका माइक्रो मालिक्यूलर कोलाइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल है, स्टार्च है, प्रोटीन, गम, ग्लू, एंजाइम, इन सब का जो कोलाइडल सोल्यूशन होगा उसका हम बोलेंगे माइक्रो मालिक्यूलर कोलाइड्स। और ये सारे जो प्रोटीन है, स्टार्च है, गम है, ग्लू है, एंजाइम, ये सब क्या है? नेचुरल माइक्रो मालिक्यूलर कोलाइड्स होते हैं। ये नेचर में पाया जाता है, नेचुरल है। इसी तरह सिंथेटिक माइक्रोमालिक्यूलर कोलाइड्स हैं, जैसे आपका नायलॉन है, सिंथेटिक रबर है, पॉलीथाइलीन है, इन सब का जो कोलाइडल सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? सिंथेटिक माइक्रोमालिक्यूलर कोलाइड्स। तो नायलॉन, सिंथेटिक रबर और पॉलीथाइलीन, ये कैसे हैं आपके? सिंथेटिक मैक्रोमालिक्यूलर कोलाइड्स। सेकेंड टाइप इज मल्टी मालिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मालिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं? व्हेन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज इज वेरी स्मॉल, मींस लेस देन कोलाइडल रेंज, एंड कम इन कोलाइडल रेंज बाय एग्रीगेशन एंड फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन इज कॉल्ड मल्टी मालिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, तो ऐसा कोलाइडल सोल्यूशन जिसमें जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं वास्तव में उनकी साइज क्या है वो कोलाइडल रेंज की नहीं है, मींस वो ट्रू सोल्यूशन के रेंज में आती हैं, लेकिन ढेर सारे इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्रीगेट करके एक कोलाइडल रेंज साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मींस उनके बीच में क्या होता है? वीक वांडरवाल्स फोर्सेस, वीक वांडरवाल्स फोर्सेस से क्या होते हैं? अट्रैक्ट होकर के जो छोटे छोटे या माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? माइक्रो मालिक्यूल में, और कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं। इस तरह से वो कोलाइडल सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सल्फर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एट्सेट्रा, या जितने भी मेटल हैं, मेटल का जो भी कोलाइडल सोल्यूशन बनता है वो मल्टी मालिक्यूलर होता है। इसको हम लोग इस एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे ये प्रोटीन का सिंगल पार्टिकल है,
जिसकी साइज इतनी बड़ी है। साइज, ये साइज कैसी है? इट लाई इन कोलाइडल रेंज, इसकी साइज कोलाइडल रेंज में आती है, मतलब कोलाइडल रेंज का साइज है ये प्रोटीन का है। तो इसका जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ये कोलाइडल पार्टिकल है किसका? प्रोटीन का, जिसकी साइज कोलाइडल रेंज की है, और इसको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। अब आप इधर देखिए, ये क्या है? दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ गोल्ड। ये सिंगल पार्टिकल है गोल्ड का, गोल्ड का सिंगल पार्टिकल। बट एक्चुअली दिस इज द सिंगल पार्टिकल ऑफ, सिंगल एटम ऑफ गोल्ड। गोल्ड का ये छोटा सा एटम है जिसकी साइज क्या है? कोलाइडल रेंज से छोटी है, मींस ये सोल्यूशन के रेंज की है। लेकिन ये ढेर सारे गोल्ड के जो एटम है एक दूसरे से वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड हैं, और अट्रैक्ट करके एक बड़ा साइज बना लेते हैं, एग्रीगेट करके एक बड़ा सा पार्टिकल बना लेते हैं। तो ये क्या है? एग्रीगेट ऑफ गोल्ड, AU, एग्रीगेशन है। ये सिंगल नहीं है, ये क्या है? इसमें थाउजेंड्स ऑफ गोल्ड पार्टिकल क्या है, मिल करके एक बड़ा सा पार्टिकल बना लिए हैं जो कि कोलाइडल रेंज में आ गया है। तो ये आपका कोलाइडल पार्टिकल हुआ। तो इसी को हम बोलते हैं माइक्रो मॉलिक्यूलर और मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। माइक्रो इसलिए बोलते हैं कि इसकी साइज बहुत ही छोटी है। अगर सिंगल आइटम का हम गोल्ड का देखें, साइज बहुत ही छोटी है, लेकिन ये सब मिल करके ढेर सारे गोल्ड के आइटम मिलकर के बड़ा सा पार्टिकल बना लिए हैं, मींस कि मल्टी मॉलिक्यूलर, मींस कई ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। देखने में क्या होगा? तो इस तरह से इसको हम माइक्रो मॉलिक्यूलर या मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बोलते हैं, क्योंकि मल्टी मॉलिक्यूल मिलकर के एक सिंगल पार्टिकल बना रहे हैं जो कि कोलाइडल रेंज में आ रहा है, कोलाइडल पार्टिकल बना रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज बड़ी है, इसको कहना चाहिए माइक्रो, इसको कहना चाहिए मैक्रो, लेकिन एक्चुअली क्या है? ये सिंगल एटम है या सिंगल मॉलिक्यूल है प्रोटीन का जो कोलाइडल रेंज में है, इसलिए मैक्रो बोला जाता है। ये क्या है? ये मल्टी मॉलिक्यूल हैं गोल्ड के, जो कि मिल करके इतना बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, कोलाइड या पार्टिकल बना रहे हैं, इसलिए ये क्या कहे जाते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो स्टूडेंट, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड AU, कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ AU गोल्ड इज ऑफ डिफरेंट कलर। मींस अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन बनाएं गोल्ड का, तो अलग अलग कलर का कोलाइडल सोल्यूशन पाया जाता है गोल्ड का। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गोल्ड के पार्टिकल का साइज होता है, या गोल्ड के कोलाइडल पार्टिकल का साइज क्या होता है, कभी छोटा हो सकता है, कभी बड़ा हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेशन ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जितने ज़्यादा ज़्यादा मॉलिक्यूल एग्रीगेट होंगे बड़ा पार्टिकल बनाएंगे, कम एग्रीगेट होंगे तो छोटा बनाएंगे। तो साइज के अनुसार जो कलर होता है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, हाँ अलग अलग कलर का होता है। साइज अगर छोटी है या बड़ी है तो उसके साइज के अनुसार क्या होगा? कलर अलग अलग होता है कोलाइडल सोल्यूशन का, गोल्ड के कोलाइडल सोल्यूशन का। थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होता है? सोल्यूशन विच बिहेव्स लाइक सोल्यूशन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एट लोअर कंसेंट्रेशन बट एट हायर कंसेंट्रेशन, सो कोलाइडल बिहेवियर आर कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड्स। ये होते क्या हैं? ऐसा सोल्यूशन जो लोअर कंसेंट्रेशन पर बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन की तरह काम करता है या ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही कंसेंट्रेशन उसका हम बढ़ा देते हैं तो वो कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है? जो साइज होता है, डिस्पर्स फेज की साइज होती है, इट इज़ लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम होती है। मीन्स इसका जो साइज होता है वो ट्रू सोल्यूशन के रेंज का होता है। तो जब लो कंसंट्रेशन हम रखते हैं तो बिल्कुल ये ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है,
लेकिन जैसे ही हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, मीन्स एट हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स फॉर्म एग्रीगेट्स ऑफ साइज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं हायर कंसंट्रेशन क्या करते हैं, वो एग्रीगेट कर जाते हैं, एसोसिएट कर जाते हैं। एसोसिएट करके क्या कर लेते हैं, एक बड़ा सा पार्टिकल बना लेते हैं जिसकी साइज 1 नैनोमीटर से अधिक हो जाती है। और इसी एग्रीगेट को, जो एग्रीगेशन के बाद जो बड़ा सा पार्टिकल बन जाता है, उसको मिसेल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मिसेल। फॉर एग्जांपल, तो एट हायर कंसंट्रेशन पार्टिकल्स फॉर्म एग्रीगेट ऑफ साइज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर। तो हायर कंसंट्रेशन पे क्या होता है, 1 नैनोमीटर से बड़े साइज का पार्टिकल बन जाता है, जिससे जो सोल्यूशन होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन हो जाता है। लो कंसंट्रेशन पर सोल्यूशन की तरह होता है, ट्रू सोल्यूशन, लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करते हैं वैसे ही वो कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो बड़ा सा पार्टिकल बनता है ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल या डिस्पर्स फेज पार्टिकल, उसी को हम बोलते हैं मिसेल। मीन्स जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं उनकी साइज एक्चुअल में 1 नैनोमीटर से छोटी होती है, सोल्यूशन के रेंज की होती है, ट्रू सोल्यूशन के। लेकिन जब वो एग्रीगेट कर जाते हैं, एसोसिएट करके एक बड़ा सा पार्टिकल बना लेते हैं जो कोलाइडल रेंज में आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं मिसेल। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका है सोप एंड डिटर्जेंट, तो सोप और डिटर्जेंट का सोल्यूशन, जैसे आप डिटर्जेंट अगर एक बाल्टी पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल करके उसको मिक्स कर दीजिए, तो आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन की तरह होगा। लेकिन अगर आप ढेर सारा डिटर्जेंट डाल दीजिए, बहुत ढेर सारा डाल करके मिक्स कर दीजिए, तब आपका जो सोल्यूशन बनेगा वो कुछ मिल्की कलर का हो जाता है, या वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है। लोअर कंसंट्रेशन में कम डिटर्जेंट डालेंगे तो ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन रहता है, लेकिन जब ढेर सारा डिटर्जेंट डाल देते हैं तो कैसा हो जाता है, ट्रांसलूसेंट, मीन्स वो कोलाइडल सोल्यूशन में चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम सोप को लें, सोप एक्चुअल में है क्या, इट इज़ सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। सोप्स क्या होते हैं, सोडियम या पोटेशियम का साल्ट होता है, किसका, हायर फैटी एसिड का सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर के बना हुआ एक साल्ट होता है। जैसे हम एक जनरल सा सोप मॉलिक्यूल लें, फार्मूला ऑफ सोडियम स्टीरेट सोप। सोडियम स्टीरेट क्या है, एक तरह का सोप है, उसका फार्मूला होता है C17H35COONA। ठीक है, तो अगर इसका हम स्ट्रक्चर बनाएं, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक C17H35, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, और एक लॉन्ग चेन है। स्ट्रक्चर का हम देखें तो इस तरह से एक लॉन्ग चेन है जो क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और एक छोटा सा पार्ट है जो कि COO- NA है, तो ये पोलर पार्ट है। पोलर पार्ट मीन्स COO पर है निगेटिव चार्ज, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, और यह इधर C17 और S35 पर कोई चार्ज नहीं। ये हो गया आपका नॉन पोलर, ये हो गया पोलर। तो होता क्या है, ये जो आपका नॉन पोलर या हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, और ये क्या है आपका, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स विच हेटिंग विथ वाटर। हाइड्रोफोबिक मीन्स जो वाटर से क्या करे, हेट करे, या इसको हम कह सकते हैं वाटर हेटिंग। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर हेटिंग, और हाइड्रोफिलिक मीन्स क्या होता है, वाटर लविंग। तो स्टूडेंट्स, जो सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, हम उसको कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लॉन्ग टेल और एक छोटा सा हेड। लॉन्ग टेल क्या है, नॉन पोलर है, और हेड क्या है, पोलर है। मीन्स नॉन पोलर लाइक्स नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर किसको लाइक करेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट को, दैट इज आयल। आयल आपका क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और जो पोलर पार्ट है, इट लाइक्स पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट आपका वाटर होता है। तो होता क्या है, सपोज करिए हमने एक कंटेनर में वाटर लिया और वाटर में थोड़ा सा सोप मिला दिया। जैसे ही हम सोप मिलाएंगे, जो टेल है वाटर हेटिंग है, तो ये वाटर से दूर जाना चाहेगा, और हेड क्या है, वाटर लविंग है, तो वाटर की तरफ जाएगा।
तो जब कंसंट्रेशन हम कम रखते हैं तो ये जो सोप मॉलिक्यूल हैं वाटर के सरफेस पर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, जो उनका हेड होगा वो वाटर की तरफ होगा, तो हेड है वो वाटर की तरफ और जो टेल है वो वाटर से दूर रहेगा, वाटर हीटिंग है। तो एट लो कंसंट्रेशन इट बिहेव्स लाइक अ ट्रू सोल्यूशन, ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होगा। लेकिन स्टूडेंट जैसे ही हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, जब हम सोप मॉलिक्यूल सोप ढेर सारा डाल देंगे तो होगा क्या, ये वाटर है, वाटर में सपोज करिए ऑयल ड्रॉपलेट है, ये क्या है आपका ऑयल ड्रॉपलेट है। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये जो सोप मॉलिक्यूल हैं वाटर के अंदर जाएंगे, जब वाटर के अंदर जाएंगे तो ये क्या होगा, जो टेल है वाटर हीटिंग पार्ट है, तो ये वाटर से हमेशा दूर जाना चाहेगा। सपोज करिए एक ऑयल ड्रॉप्स है, तो जो नॉन पोलर है, हमने बताया था नॉन पोलर लाइक नॉन पोलर दैट इज ऑयल, तो ऑयल को लाइक करेगा, इसके टेल जो हो किधर चले जाएंगे, ऑयल की तरफ हो जाएंगे, ऑयल की तरफ मूव कर जाएंगे, और जो हेड है ये किधर जाएगा, वाटर की तरफ से। इस तरह से ये क्या करेंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, एक एसोसिएशन बना लेंगे, और एसोसिएशन बना करके ये एक बड़ा सा पार्टिकल बना लेते हैं जो कि कोलाइडल रेंज का होता है। इसी को हम बोलते हैं मिसेल, इसी को क्या बोलते हैं, मिसेल मीन्स नाउ इट बिकम अ कोलाइडल सोल्यूशन, अब ये क्या हो जाता है, एक कोलाइडल सोल्यूशन हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिसेल, मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मीन्स ऑन इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन मिसेल इज फॉर्म्ड। मिसेल क्या होता है, व्हाट इज मिसेल, तो मैंने आपको बता दिया कि मिसेल क्या होता है, इट इज ए लूजली बाउंड एग्रीगेशन ऑफ सेवरल टेंस आर हंड्रेड्स ऑफ एटम्स आयन्स आर मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग ए कोलाइडल पार्टिकल। तो ये क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल का एग्रीगेशन है, और ये एग्रीगेशन कब हो रहा है ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे तभी ऐसा होगा। तो स्टूडेंट एक ऐसा कंसंट्रेशन होता है, एक मिनिमम कंसंट्रेशन होता है जिसके नीचे हमारा मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, और उसके नीचे उस कंसंट्रेशन के नीचे हमारा जो सोल्यूशन होगा वो बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन की तरह काम करता है। लेकिन उस मिनिमम कंसंट्रेशन से ज़रा सा भी कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाते हैं तो मिसेल का फॉर्मेशन हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, या शॉर्ट में बोलते हैं CMC। तो CMC क्या है, द मिनिमम कंसंट्रेशन एट विच मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड CMC, या हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन। तो CMC क्या है, वह मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे मिसेल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। इसी तरह से एक डिफिनिट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मिसेल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, उस डिफिनिट टेम्परेचर से नीचे अगर टेम्परेचर है तो मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, अ डिफिनिट टेम्परेचर एबव विच मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, मीन्स ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर, या एक निश्चित टेम्परेचर जिसके ऊपर मिसेल का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, उसी डिफिनिट टेम्परेचर या निश्चित टेम्परेचर को हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट और वी विल कंटिन्यू विथ अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।